तो वहीं दुर्ग जिले में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार प्रतिष्ठान में दबिश दी जा रही है और कई नामी और प्रचलित प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा मानकों की बड़ी अनदेखी भी सामने आई, जहां सूर्य ट्रेजर आइलैंड मॉल के मल्टीनेशनल फूड कंपनी KFC में यूज्ड तेल का इस्तेमाल पाया गया, जहां खाद्य तेल का नमूना संकलित कर जांच के लिए भेजा गया। इस्तेमाल किया जा रहे तेल को निर्धारित DPS से अधिक होने पर दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं पिज्जा हट में वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थों को एक ही फ्रीजर में रखा गया था। पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहे ट्रे की सफाई एक महीने में एक बार किए जाने की जानकारी सामने आई। मौके पर कार्यरत कर्मचारियों का मेडिकल जांच रिपोर्ट भी नहीं पाया गया। आपको बता दें कि दुर्ग जिले में लगातार डायरिया सहित विभिन्न मौसम के बदलाव के अनुसार संक्रमित बीमारियां पनप रही हैं, जिसको देखते हुए खाद्य और औषधि प्रशासन दुर्ग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे इन रोगों के प्रसार को रोका जाए। और इसी के तहत खाद्य और औषधि विभाग द्वारा कई जगहों पर शहर में दबिश दी गई और नोटिस भी जारी किया गया।